Hi guys, welcome back to my channel. So if you never see my face before, my name is Ritika. You can definitely subscribe to my channel. It's right below this video bar and definitely press the bell button to get notified whenever I upload any video. So do subscribe, it's totally free. Definitely do subscribe. आज का वीडियो इंस्पायर्ड है 90s पॉप स्टार से या फिर 90s फैशन से. तो गाइस डेफिनेटली मैं 90s की किड हूँ तो मुझे 90s बहुत ज़्यादा पसंद है. और मैं 90s का टेलीविजन बोली, 90s का पॉप म्यूज़िक बोली, इंडिया का मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. और डेफिनेटली कार्टून नेटवर्क बोलिए या फिर आप सोनी बोलिए, ये सब बहुत अलग था. आज की तरह ऐसे मतलब बहन जी काइंड ऑफ सीरियल्स नहीं होते थे तभी, बहुत ज़्यादा यूनिक सीरियल्स होते थे. इवन हॉरर शोज जो भी होते थे मैं आज भी जाके यूट्यूब में देखती हूँ. आई रियली रियली लाइक देम. सो 90s के फैशन आज के तरह ही था. मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है और 90s के लोग स्मोकी आइज करते थे. आज के तरह में चोकर, स्मोकी आइज, कोल्ड शोल्डर टॉप्स एंड ग्लिटर्स, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था. डेफिनेटली वी आर इंस्पायर्ड बाई 90s. इवन लूज फिटेड शर्ट, लूज फिटेड पैंट्स, स्निकर्स, एवरीथिंग वी आर इंस्पायर्ड बाई 90s. सो मुझे 90s का फैशन बहुत ज़्यादा पसंद है. इसमें कुछ क्वेश्चनेबल फैशन स्टाइल बिल्कुल थे, जैसे मैं ये फोटोज़ दिखा रही हूँ, ये फोटोज़ दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चनेबल थे. अगर हम 2017 को ले तो भी हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल फैशन चॉइस हर रोज़ निकलते हैं. 20 साल बाद जाके अगर हमारे बच्चे या फिर हमारे नाती पोतियाँ वो वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे कि ग्रैनी आप लोग ये क्या करते थे. तो ऐसे होता ही रहता है हर ज़माने में. एनीवेज गाइज, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट जंपिंग टू द वीडियो. 90s के जो मेकअप थे वो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं था, जो जैसे चॉइस के मेकअप करते. तो मैंने फर्स्टली अप्लाई किया है एस्टी लॉडर सीसी क्रीम ऑन माय फेस. तो अभी मैं अप्लाई करूंगी मेरे फेवरेट फाउंडेशन लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन ऑन माय फेस. जब भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ अपने हेयर के साथ और अपने नेक के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि ये सीमलेस और फ्लॉलेस लगे मेरे फेस के साथ. नेक्स्टली मैं अप्लाई करूंगी 7 Heaven फोटो फिनिश कंसीलर. मैं अपने आई लिड पर भी अप्लाई करूंगी ताकि आई शेडो बेस की तरह काम करे. मेकअप वर्ल्ड में कॉन्टोर गेम बहुत दिन पहले ही इन्वेंट हुआ है, लेकिन 2014-15 में जब काइली जेनर एंड किम कार्डशियन ने ये गेम बदला तो हमने सोचा कि उन लोगों ने इन्वेंट किया है. बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. फेस के डेफिनेशन के लिए, कैमरा पर्पस के लिए बहुत दिन पहले से ही कॉन्टोर गेम है हमारे मेकअप वर्ल्ड में. तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अभी अपने फेस के साथ. मैं इस लुक के लिए कोई भी बेकिंग नहीं करूंगी, मैं बस एक येलो पाउडर लेके अपने पूरे फेस को सेट कर लूंगी. आई शेडो लोग अपने ड्रेस के साथ या फिर अपनी चॉइस के साथ पहनते थे बिल्कुल आज की तरह ही. तो मैंने देखा है मैक्सिमम फोटोज़ में वो लोग कि बेस कलर अप्लाई करते थे, कोई भी क्रीज कलर इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करता था. तो गोल्ड बेस कलर इज़ वेरी फेमस एट दैट टाइम. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ अ गोल्ड कलर. गोल्ड कलर को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने अपने फिंगर टिप्स में गोल्ड आई शेडो लेके अपने लिड पे अप्लाई किया है. 90s में अपने वाटर लाइन पे व्हाइट गोल्ड पेंसिल यूज करना एक बहुत फेमस फैशन हुआ करता था और मैंने हर टीवी सीरियल बॉलीवुड मूवीज में ऐसा स्टाइल देखा है. दैट टाइम वो लोग अपने वाटर लाइन पे व्हाइट गोल्ड पेंसिल यूज करते थे, उसके बाद अंडर द वाटर लाइन वो लोग ब्लैक गोल्ड पेंसिल यूज करते थे. आईलाइनर का इतना ज़्यादा कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं था, बहुत लोग विंग्ड लाइनर करते थे, बहुत लोग बस बेसिक आईलाइनर लगाते थे. तो मैं जस्ट थोड़ा बहुत विंग्ड करने वाली हूँ. लोअर लैश लाइन पे गुड कोट ऑफ मस्कारा लगाना एक वन ऑफ द मेकअप स्टेपल था उस वक्त, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो दैट. 90s में आईब्रो भी इतना स्पेसिफिक नहीं हुआ करता था. अगर आप देखोगे करिश्मा कपूर का आईब्रो बहुत ज़्यादा थिक हुआ करता था और बहुत सारे एक्ट्रेस का बहुत ज़्यादा थिन हुआ करता था, तो इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं था. तो मैं अपने आईब्रो को जस्ट फिल करने वाली हूँ, नॉट गोइंग टू डू टू मच, नॉट डूइंग टू डू एनीवेज. 90s में मेटालिक लिप्स, बोल्ड रेड लिप्स, पिंक लिप्स, पर्पल लिप्स बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो है डार्क आउटलाइन ऑन द आउटसाइड ऑफ योर लिप्स एंड वेरी न्यूड कलर ऑन द इनसाइड ऑफ योर लिप्स. आई होप आई मेक सेंस. तो अभी मैं इस ऑर्गेनिस्टिक लाइट ब्राउन न्यूड शेड को अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी और ये परफेक्ट है इस लुक के लिए. आई रियली लाइक दिस न्यूड कलर.
अगर आप ठीक से फोटोज देखोगी तो उन लोगों की फेस बहुत ज्यादा ब्रॉन्जी हुआ करता था. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई लिटिल बिट ब्रॉन्जर ऑन माई चीक्स. अभी मैं थोड़ा सा एक रोजी पिंक ब्लश को अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी. So guys, I hope you enjoy this video. If you enjoy this video, at least give me 25 like on this video. I will make more of this kind of video, 70s, 80s inspired makeup look and detail about them. So I hope you enjoy. I hope to see you again. Bye guys.